अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने TGT PGT NGIC लेक्चरर उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई है उसके मुतालिक मैं सब्जेक्ट उर्दू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 20। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट ना हो। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट ना हो। पहला सवाल है, लफ्ज़ ड्रामा किस जबान का लफ्ज़ है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, पास सेकंड का वक्त दिया जाए, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, यूनानी जबान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ ड्रामा यूनानी जबान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कसीदा के अलावा जोक किस सिंफ में महारत रखते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, गज़ल में महारत रखते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब को मैं अपने सरे बिस्तरे ख्वाब राहत नशे इल्म में शर्मस्त व गुरूर व नखुवत दजबाला शेर किसके कसीदे का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, जौक दहलवी का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जौक ने किसकी शागिर्दगी अख्तियार की? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, शाह नसीर की शागिर्दगी अख्तियार की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें कौन सा शेरी मजमा जोश का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नक्श फरियादी जो है ये जोश का नहीं बल्कि फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमू है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज़ेल में से कौन सी नज़्म हाली की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, निशात उम्मीद जो नज़्म है ये हाली की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मजमू पर अक्तर ईमान को 1960 ईस्वी में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यादें पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज़ेल में से कौन सी नज़्म अक्तर ईमान की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तसलसल जो है अक्तर ईमान की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़ेल में से किस सिन्फ सुखन में इकबाल ने तबा आजमाई नहीं की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कसीदा में उन्होंने तबा आजमाई नहीं की। क्वेश्चन नंबर 10 है, फलसफा में इकबाल को किसके शागिर्द होने का शर्फ हासिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर आर्नोल्ड का शागिर्द होने का शर्फ हासिल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुब्बारे खातिर का मानी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दिल का मैन रंजो मलाल, ये गुब्बारे खातिर का मानी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शहर यार को ज्ञानपीठ इनाम से कब नवाजा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 2008 ईस्वी में नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुशअले जां किसका शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है मुशअले जां। अब मुशअल जो है वो फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नई शायरी के मेमार किंग को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मोहम्मद आज़ाद को नई शायरी का मेमार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिराक को उनके किस मजमूए कलाम पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, हुलेनागमा पर। ये फिराक का बहुत ही मशहूर मारूफ
शेरी मजमू है गुले नगमा, इस पर फिराक को ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था और साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था और 1,000 रुपये भी इनाम मिला था। गुले नगमा पर फिराक उर्दू के पहले शायर है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, जो लिटरेचर वालों को उसे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फानी बदायूनी ने किस यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शाद का इंतकाल किस सन में हुआ? शाद अजीमाबादी का इंतकाल किस सन में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1927 ईस्वी में 81 साल की उम्र में उन्हें उनका इंतकाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह नाज़दीन अदा में एजाज है सरापा, खूबी में गुल रखाशु मुमताज है सरापा, मंदजा वाला शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, वली दखनी का यह शेर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वली को रेखता का उस्ताद किस शायर ने कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मीर तकी मीर ने वली को उर्दू रेखता का उस्ताद कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शोरशनी अभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 4 बोलियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जेल में से किस शायर का ताल्लुक दबिस्ताने अजीमाबाद से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, कलीम आजिज का ताल्लुक जो है दबिस्ताने अजीमाबाद से था। क्वेश्चन नंबर 22 है, उर्दू में जमीर की कितनी किस्में होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 5, किस्में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह नज्म जिसमें किसी भी किस्सा या वाकया को तसलसल के साथ पेश किया जाए उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मसनवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यक तिल जिया जाए ना, मशकुरा वाला शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, पुलिक तुपसा का है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कसीदे के इब्तदाई अशआर को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, तशबीब कहते हैं। कसीदे के इब्तदाई अशआर को तशबीब कहते हैं, जिसमें शायर जो है तमहीद बांधते हुए मदा की तरफ पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बेक वक्त नक्काद ड्रामा निगार और शायर, बेक वक्त ड्रामा निगार नक्काद ड्रामा निगार शायर और मुदीर की हैसियत से कौन अहमियत रखते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद हसन जो है ये बेक वक्त नक्काद भी थे, ड्रामा निगार भी थे, शायर भी थे और मुदीर की। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने TGT PGT और GIC लेक्चर्स मुतालिक मॉक टेस्ट पार्ट 1 से लेके पार्ट 90 तक वीडियो बना दी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं, उसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुआ है और वो एग्ज़ाम उम्मीद करते हैं तो जुलाई या अगस्त में होने का इम्कान है, अगर आप उसकी तैयारी करें तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है NTA NET फॉर अदब, आप वहाँ पर चार्ज कर UGC नेट की तैयारी कर सकते हैं। और याद रहे कि UGC नेट की जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह है मास्टर डिग्री, आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, अगर आप मास्टर डिग्री हैं उर्दू में तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 27 है, गालिब कहाँ 1 साल 9 माह मुकीम रहे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, कलकत्ता में रहे।
क्वेश्चन नंबर 28 है, जेल में से किसका ताल्लुक दबिस्तानी लखनऊ से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन दबीर का ताल्लुक जो है दबिस्तानी लखनऊ, हालांकि ये दिल्ली में पैदा हुए थे लेकिन इनका ताल्लुक जो है दबिस्तानी लखनऊ से है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुले सनोबर किसकी लिखी हुई दास्तान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हेमचंद खत्री की ये दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस तारे में अरकान तशबी से कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मुशब्बबा जो है ये इस्तेमाल होता है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए।